और अब ये जो 200 यूनिट बिजली फ्री करिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को समझ नहीं आ रहा है, इसका समर्थन करें कि इसका खिलाफत करें। कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल चुनावी स्टंट कर रहा है, मैंने कहा भाई महाराष्ट्र में चुनाव है तुम भी कर लो चुनावी स्टंट, हरियाणा में चुनाव है तुम भी करो, तुम क्यों नहीं करते? बीजेपी वाले सारे बीजेपी शासित राज्यों में 200 यूनिट फ्री कर दे, मैं खुद खड़ा होकर कहता हूं भाई इनको वोट दे दो। आप लोगों ने 5 साल पहले हमको बड़े प्यार मोहब्बत से विश्वास करके वोट दिया था, अमूमन 5 साल काम करने के बाद 5 साल के बाद कई बार ऐसा देखा गया कि लोगों का सरकारों के खिलाफ गुस्सा हो जाता है, रोष हो जाता है, अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। लेकिन पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसके प्रति 5 साल में लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, प्यार भी बढ़ा है, मोहब्बत भी बढ़ी है, और उसका एक ही कारण है, जिस विश्वास से आपने वोट दिया था पिछले 5 साल में रात दिन 24 घंटे मेहनत करके हम लोगों ने इतने काम किए हैं। और अब ये जो 200 यूनिट बिजली फ्री करिए होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को समझ नहीं आ रहा है, इसका समर्थन करें कि इसका खिलाफत करें। कुछ लोग कहते हैं ठीक करा, कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल चुनावी स्टंट कर रहा है, मैंने कहा भाई महाराष्ट्र में चुनाव है तुम भी कर लो चुनावी स्टंट, हरियाणा में चुनाव है तुम भी करो, तुम क्यों नहीं करते? तो दोस्तों 200 यूनिट फ्री इसलिए करी है, जैसे पानी हमने 20,000 लीटर मुफ्त करा था, हमारा यह कहना था कि पानी एक ऐसी चीज है और बिजली एक ऐसी चीज है जो बिना उसके गरीब आदमी रह नहीं सकता, आज एक जिंदगी के लिए जरूरी चीज बन गई है, बिना उसके लिए आदमी के लिए जैसे पानी के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह से बिजली के बिना भी अपनी जिंदगी काटना मुश्किल है। इसलिए हमने 200 यूनिट फ्री करी है, भाई किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो वो बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा क्या? थोड़ी बिजली तो इस्तेमाल करेगा, अपने घर में एक पंखा चलाएगा, अपने घर में एक बिजली चलाएगा, दो तीन और एक टीवी भी चला लेगा, ऐसी भी कौन सी आफत आ गई टीवी और फ्रिज तो इतना टीवी देखना भी तो अधिकार है। तो दोस्तों 200 यूनिट सबके लिए माफ करिए और 200 से 400 यूनिट सबके लिए हाफ कर दी, और इसका एक ही कारण है, आप लोगों ने ईमानदार पार्टी को वोट दिया था, ईमानदार सरकार बनाई थी, उससे इतने पैसे बचा रहे हैं हम लोग, इतने पैसे बचाते जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए पानी मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, स्कूल मुफ्त कर दिए, शानदार बना दिए, स्कूल बनाए कि नहीं बनाए, आप लोगों के लिए हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, और अब औरतों के लिए यातायात भी मुफ्त हो जाएगा थोड़े दिन के बाद। तो पांच जिंदगी की 5 चीज जो बेसिक है वो मुफ्त कर दी, कहां से मुफ्त कर दी? मेरे पास तो इतने 1,000 करोड़ पैसा नहीं है, पहले जितनी सरकारें थी दूसरी पार्टियों के वो ये सारा पैसा चोरी किया करती थी, हम चोरी करते नहीं है, खाने देते नहीं है दूसरों को, ये सारा पैसा बचा बचा के आपको दे रहे हैं। और मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं भाई अपना रुख साफ करो, तुम ये 200 यूनिट फ्री देने के पक्ष में हो कि नहीं हो ये साफ करो बीजेपी वाले, और अगर कहते हैं पक्ष में अभी तो उनसे जो मर्जी कहलवा लो, जो मर्जी लिखवा लो, चुनाव का टाइम है, अगर वो कहते हैं पक्ष में है तो पहले महाराष्ट्र में यूपी में हरियाणा में जा जाए इनकी सरकार है, वहां 200 यूनिट मुफ्त करके दिखाओ। बीजेपी वाले सारे बीजेपी शासित राज्यों में 200 यूनिट फ्री कर दे, मैं खुद खड़ा होकर कह दूंगा भाई इनको वोट दे दो। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।